जो जेनोसाइड और कन्वर्जन मुगलों ने और ब्रिटिशर्स ने किया था हिंदुओं का, उससे कई गुना ज्यादा भाई पोर्चुगल के लोगों ने किया था। और हमारे देश के नपुंसक हिंदू उनके स्कूल्स में जाते हैं, चर्चेस में जाते हैं। हमारा देश तो आजाद हो गया 1947 में, हमारे देश के हिंदू आज भी आजाद नहीं हुए, आज भी गुलामी कर रहे हैं। लोग यहाँ पे भाई बहुत बदतमीज है, मतलब बदतमीजी कर रहे हैं। इज इट अ चेरी? या ओके ओके आई विल हैव वन, या आई विल हैव वन। और अभी दोस्तों रात के 8 बज गए और पूरी धूप निकली हुई है। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आज का ब्लॉग दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं लिस्बन की छोटी गलियों से। मैं पिछले काफ़ी दिनों से भाई लिस्बन में हूँ, तो मैंने सोचा यहाँ पे एक ब्लॉग भी शूट कर लेते हैं। बहुत सुंदर जगह है। और वैसे लिस्बन दोस्तों पोर्चुगल की कैपिटल है, और पोर्चुगल आपने सुना होगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की होम कंट्री है, तो यहाँ पे फुटबॉल बहुत पॉपुलर है, तो यहाँ पर अक्सर बच्चे सड़क पर फुटबॉल खेलते हुए दिख ही जाते हैं। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वेदर पूरे साल काफ़ी अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि यूरोप में मोस्टली ठंड और बारिश ही पड़ती रहती है, तो यहाँ की गर्मी इंजॉय करने के लिए भी भाई यहाँ पर लोग बहुत आते हैं मेरे जैसे। आप देख सकते हैं आज मैं पहली बार व्लॉग शूट कर रहा हूँ हाफ स्लीव टी शर्ट में, ज़्यादातर मैंने ओवरकोट या जैकेट पहनी होती है। और अभी दोस्तों मैं भी इस लाइन में लगा हुआ हूँ, ये पीछे कैसल की लाइन है, यहाँ पे एक बहुत पॉपुलर कैसल है। पोर्चुगल में क्या है, कैसल्स बहुत है, क्योंकि ब्रिटिशर्स की तरह इन्होंने भी हर जगह पूरी दुनिया में खून खराबा किया हुआ है, इंक्लूडिंग इंडिया। शायद आप में से काफी लोगों को पता नहीं होगा कि पोर्चुगीज इंडिया में ब्रिटिशर्स से सैकड़ों साल पहले आए थे, और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी 1947 में, उसके 14 साल बाद तक भी 1961 तक वो गोवा पर राज कर रहे थे। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि हमारे देश की किस तरह इंडिपेंडेंस हुई थी कि 14 साल बाद तक भी हम गोवा को आज़ाद नहीं करवा पाए थे। और दोस्तों जो जेनोसाइड और कन्वर्जन मुगलों ने और ब्रिटिशर्स ने किया था हिंदुओं का, उससे कई गुना ज़्यादा भाई पोर्चुगल के लोगों ने किया था। इन टर्म्स ऑफ नंबर नहीं कह रहा मैं ये बात, मैं इन टर्म्स ऑफ मेथड कह रहा हूँ। जो भाई एथनिक क्लिंजिंग होते हैं जो कश्मीरी पंडितों की हुई थी, वही इन्होंने करी थी। इनके एक संत थे भाई सेंट जेवियर करके, तो वो भी एक बहुत महान संत थे औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तरह। उनको भी बहुत प्यार था हिंदुओं से, तो उन्होंने भी हिंदुओं का कतलेआम किया था गोवा की सड़कों पे। और जो एथनिक क्लिंजिंग भाई कश्मीर में हुई थी हिंदुओं की, उससे कई गुना बड़े लेवल पे हुई थी भाई गोवा में। और चलो भाई जो हुआ वो हुआ, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट कम से कम आप इतने नपुंसक ना बने कि आप सेंट जेवियर के नाम पे चर्च खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेजेस खोल रहे हैं। मतलब जिन लोगों ने आपका जेनोसाइड किया उनको ही आप ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उनके नाम के कॉलेजेस खोल रहे हैं, स्कूल्स खोल रहे हैं, चर्चेस खोल रहे हैं। और हमारे देश के नपुंसक हिंदू उनके स्कूल्स में जाते हैं, चर्चेस में जाते हैं, वहां पर जाके फादर फादर बोलते हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? कैसे यार कोई इतना बेशरम हो सकता है? देखो जेनोसाइड तो भाई जूस का भी हुआ था, बट कभी आपने देखा इसराइल में कोई हिटलर के नाम का कॉलेज खुला हो, चर्च खुला हो? तो इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा देश तो आज़ाद हो गया 1947 में, बट हमारे देश के हिंदू आज भी आज़ाद नहीं हुए, आज भी गुलामी कर रहे हैं। बट एनीवेज दोस्तों ज़्यादा सीरियस बातें नहीं करते, वरना फिर लोग बुरा मान जाते हैं। अभी हम कैसल में आए हैं, इस कैसल का नाम आई थिंक सेंट जॉर्ज कैसल है, तो यहाँ पर थोड़ा व्यू एंजॉय करते हैं। और आज दोस्तों साथ में लिस्बन को पूरा एक्सप्लोर करेंगे, तो भाई वीडियो एंड तक देखना, मजा आ जाएगा। इज इट अ चेरी? या ओके ओके आई विल हैव वन, या आई विल हैव वन। या चेरी से ज्यादा हमारा कहीं और इंटरेस्ट है। रामी हो बेटा? ये दोस्तों एक चेरी जूस है, तो ट्राई करते हैं आज इसे। इट हैड अल्कोहल आई थिंक, राइट? लिटिल बिट अल्कोहल। इट टेस्ट वेरी गुड। अच्छा है। इट्स स्वीट यार। नो, इट्स चॉकलेट। इट्स चॉकलेट। इट्स स्वीट। आई थॉट इट इज द बॉक्स, द ग्लास। नो, इट्स चॉकलेट। ओके, ग्लास ऑफ चॉकलेट। ग्लास ऑफ चॉकलेट। That's unique. It's a glass of chocolate. It's not a glass. Hi, Chavilita. Yeah, I don't want a ginger. Mm. Yeah, बढ़िया। चीज बढ़िया है। चेरी खाने से ज्यादा लड़की की चेरी देखने आए हुए थे कस्टमर्स। और क्योंकि दोस्तों चेरी जूस पोर्चुगल की स्पेशलिटी है, इसलिए गली गली में आप देख सकते हैं पीछे लड़की बेच रही है। और क्योंकि वो बेचारी अपनी चेरीज नहीं दिखा रही, इसलिए उसके कस्टमर्स नहीं आ रहे। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। वैसे भाई इनकी गलियां बड़ी छोटी और अजीब सी है, ढलान वाली है। और क्योंकि अभी टूरिस्ट का टाइम है, समर टाइम इनका टूरिस्ट टाइम होता है, तो यहाँ पे भीड़ बड़ी हो रही है, तो छोटी छोटी गलियों में जब इतने टूरिस्ट हो जाते हैं चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। बट वैसे गर्मियों में दोस्तों ट्रैवल करने का मजा भी अलग है। और अभी दोस्तों मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, यहाँ पीछे केबल कार चल रही है, केबल कार हमें वहाँ पे एक टावर है वहाँ पे लेके जाएगी, बहुत पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो मैंने सोचा एक बार यहाँ पे भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, फिर पता नहीं कब आएंगे पोर्चुगल। इट विल क्लोज ऑटोमेटिकली, विल क्लोज ऑटोमेटिकली, कन्फर्म कर रहा था भाई मैं, ये अभी तक खुली हुई है, कहीं ऊपर जाए हम गिर जाए ऐसे, शुक्र है गर्दी बंद है। और यहाँ से व्यू तो आप देख ही सकते हैं भाई, जबरदस्त आ ही रहा है। और ये जो केबल कार है वो पीछे टावर दिख रहा है ना,
जो व्हाइट कलर का टावर है वहां पे लेके जा रही है हमें। और अभी तक की दोस्तों जो मुझे बेस्ट बात लगी पोर्चुगल की वो ये है कि यहाँ पर एक्टिविटीज बहुत है करने को, चीजें बहुत है करने को और सब कुछ खुला हुआ है भाई। कल मैं रात को 12 बजे गया था मॉल में, जबकि आयरलैंड में दोस्तों ना कुछ ज्यादा करने को है, वेदर इतना घटिया, पूरे बारिश होती रहती है और जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, एक्टिविटीज होती है करने की, वो सारी भाई 5 बजे बंद हो जाती है। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आप सिर्फ घर पे बैठ सकते हैं। और चलो फैमिलीज के लिए फिर भी ठीक रहती है चीजें, बट जो यंग लोग हो गए ना उनके लिए भाई आयरलैंड एक डिप्रेशन वाली कंट्री है। और इसलिए आयरिश लोग एज अ टूरिस्ट सबसे ज्यादा स्पेन, पोर्चुगल ऐसी गर्म कंट्रीज में जाते हैं। और अभी दोस्तों रात के 8 बज गए और पूरी धूप निकली हुई है, ना हमें बारिश का डर है, ना ठंड का डर है, ना हम जैकेट पहन रहे हैं। तो ऐसे कंट्रीज में भाई ट्रैवल करके ना बंदे को लगता है वो किसी डिफरेंट दुनिया में ही आ गया है। अभी दोस्तों मैं इनकी बस में बैठा हूँ। मैंने सुना है यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत फास्ट भी है और बहुत सस्ता भी है, मतलब 50-60 सेंट की टिकट है। बट लोग यहाँ पे भाई बहुत बदतमीज है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बदतमीजी कर रहे हैं, टल्ली होके आए हैं, दारू पी रहे हैं। अभी दोस्तों मैं इनके कैफे में आया हूँ, यहाँ पर बैठ कर भाई अभी कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी भाई पोर्चुगल की कि यहाँ पर लोग शाम को ऐसा नहीं कि घर पर बैठ जाते हैं, शाम को रात तक मार्केट खुली है, लोग बाहर घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, टेंशन फ्री भाई यहाँ पे लोग जी रहे हैं बेफिक्र होके। जब मैं निकला था दोपहर को, बेफिक्र होके भाई दोपहर को 2 बजे वाइन की बोतलें खोल रहे थे लोग। और अभी भाई रात के 11 बज गए हैं बट फिर भी भाई सारी मार्केटें खुली हुई है, गाड़ियाँ चल रही हैं, इधर सारी शॉप्स खुली हुई हैं, सारे रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, भरे हुए हैं। तो ऐसी दोस्तों मस्त मौला कंट्रीज में घूमने का मजा ही अलग है। मैं तो कहूँगा भाई ऐसी कंट्रीज में आके बंदे का डिप्रेशन भी ठीक हो जाए। और अब बस दोस्तों मैं यहाँ से अपने घर की तरफ निकलूंगा, वहाँ पर जाकर भाई रेस्ट वगैरह करेंगे, आज काफी थक गए हैं। और कल दोस्तों अगर टाइम मिला तो लिस्बन को और एक्सप्लोर करेंगे और आपके लिए एक और धमाकेदार व्लॉग लेके आएंगे। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल द एंड, आई होप आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और धमाकेदार व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।